न्यूज़पेपर वाला क्यों नहीं आया अब तक? I just hope मानसी जैन ने कोई अच्छा रिव्यू लिखा हो हमारे कैफे के लिए। वी, वी पेपर आ गया वी। क्या हुआ? वी पढ़ने तो दो। काव्या प्लीज। वी अरे ऐसा क्या लिखा है बता ना। हाँ Nonsense. How could she? Happy now? मिन्नतें करवा ली, attitude दिखा दिया, पैसे भी ले लिया, बदला भी ले लिया. How smart? हुआ क्या? वो dish पसंद नहीं आई? अगर उन्हें वो dish पसंद आती तो वो 2 stars देते क्या? चिल्लाने की जरूरत नहीं है काव्या. सामने ही खड़ी हूँ मैं, आराम से बात कर सकती हूँ ना? हमारे कैफे को सिर्फ 2 stars मिले और मैं चिल्लाऊ नहीं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अनुपमा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। उसने साफ साफ लिखा है कि डिश अच्छी थी बट ओनर वॉज वेरी इरिटेटिंग। ओनर सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सिर्फ अपने बारे में बात करे जा रही थी। चलो अखबार में कुछ तो सच छपा। और उसने ये भी लिखा है कि ओनर कह रही थी कि ये उसकी ग्रैंड माँ की रेसिपी है, लेकिन उसकी बातें सुन के ये लग रहा था कि उसके ग्रैंड फादर से लेकर उसकी ग्रैंड मॉम तक किसी को कुकिंग का सी भी नहीं आता, इसलिए उसने 2 स्टार दिए, वो भी एक खाने को और एक बुजुर्गों के वेलकम को। इसलिए 1 स्टार बा को मिला है और दूसरा अनुपमा को। और तुम्हारी वजह से -3। लोग बस कहते हैं कि प्यार में तारे तोड़ देंगे, पर तेरी बीबी ने तो सर्च करके दिखाया, 3 तारे आ रहे थे, वो भी इसने तोड़ डाले। ते काव्या को दोष मत दे लीला, वो तो बेचारे मदद करने की कोशिश कर रहे थे। बापूजी प्लीज, सबने देखा कि इसने कैसे मदद की, ये सिर्फ मैं करे जा रही थी, मैं ये मैं वो। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि ओवरडू मत करना, लेकिन नहीं। आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। हाँ, अब तक तो आधे गुजरात ने पेपर पढ़ लिया होगा। अच्छा खासा हमारा बिजनेस पिकअप करा था, बट दिस विल बी अ ह्यूज सेटबैक फॉर अस। ये वरुण बार बार मैसेज क्यों कर रहा है? ओह नो, आई मीन ओह यस, पर कैसे? क्या हुआ समर बेटा, अब और क्या बुरी खबर है? बुरी नहीं, अच्छी खबर है। एक सेकेंड, myself. अरे ये तो वही कल जो कैफे में आई थी, छोटे बाल वाली प्यारी सी लड़की है। हाँ, इसके साथ तो मैंने डांस भी किया था। ये वीडियो ब्लॉगर है। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने ब्लॉग में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू सर्विसेज, फ्रॉम म्यूजिक टू मूवीज एंड एवरीथिंग आई स्टंबल अपॉन। तो आज मैं आपको एक कैफे का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, लीला का कैफे। आई नो अभी तक तो आपने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, और सुनोगे भी कैसे, क्योंकि ये नया कैफे है। गो चेक इट आउट योरसेल्फ गाइस, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। द इंटीरियर, एम्बियंस, वाइब, फूड, सर्विसेज, एवरीथिंग इज जस्ट अमेजिंग। सी द पिक्चर्स। यू नो व्हाट,
घर जैसी फीलिंग आती है क्योंकि यहाँ हर कोई वेलकम फील करता है। टीनेजर्स, ऑफिस गोअर्स, दादीज और नानीज भी। Isn't it cool? लेकिन मेरे लिए वहाँ एक इससे भी स्वीट एक्सपीरियंस था, टू मीट अ लेडी जिनका नाम है अनुपमा। आजकल की दुनिया में लोग फैमिली को भी कस्टमर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो कस्टमर को भी फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। एंड यस, कैफे के ओनर बहुत अच्छा गाते हैं। इफ यू आर लकी इनफ तो आप उनको उनके बेटे के साथ गाते हुए भी सुन सकते हैं। अदरवाइज ओपन माइक तो है ही, तो आप अपने अंदर के आर्टिस्ट को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। The best part is, वहाँ किसी को भी नहीं पता था कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। मैं वहाँ एक कॉमन कस्टमर बन के गई थी। That's why I can say कि वहाँ कॉमन कस्टमर को भी रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे अनुपमा ने किया। I know, वो एज में बड़ी हैं और मुझे उन्हें आंटी कहना चाहिए, लेकिन वो इतनी कूल है ना, उन्हें आंटी कहने का मन नहीं करता। अनुपमा, अगर आप मुझे देख रहे हो ना, तो मैं बस आपसे इतना कहूंगी, यू रॉक। यू रॉक। देखा, हम कहते हैं तो तुझे मिर्ची लगती है, अब कम से कम बाहर वालों से तो सीख ले। वहां मैंने एक और चीज देखी भी, सीखी भी, कि एक्सेस हमेशा दुश्मन ही नहीं होते, ब्रेकअप के बाद भी लोग दोस्त रह सकते हैं। ये सब इस लड़की को कैसे पता? वो मैं मेरी सहेलियों से बात कर रही थी ना, तो उसने सुन लिया होगा। यू नो, एक रिश्ते का ब्रेकअप डजंट मीन उस रिश्ते से जुड़े हर रिश्ते से ब्रेकअप करना। अनुपमा डिवोर्स होने के बाद भी अपने एक्स हस्बैंड की हेल्प करती है, एंड दे वर सो कंफर्टेबल अबाउट इट। यू नो, वी द सो कॉल्ड कूल यंगस्टर्स जो अचीव नहीं कर पाते, वो सो कॉल्ड अंकल आंटी ने अचीव करके दिखा दिया। हैट्स ऑफ टू देम। ओके, इनफ टॉकिंग, लेट मी सम इट अप। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि प्लीज 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 एक बार वहां जरूर जाएं। मेरी तरफ से 5 out of 5 stars लीला का कैफे, सबका कैफे। लेट्स रीड द कमेंट्स अप। आंटी, वाह बापू जी, अंकल आंटी, आपने कियारा का ब्लॉग देखा? हम अभी वही देख रहे थे। आई एम सो श्योर कि इस व्लॉग के बाद ना मानसी जैन के रिव्यूज कोई नहीं देखेगा। ऑब्वियसली कियारा के लाखों में फॉलोवर्स है और सारे यंग है, विच मींस वो क्राउड जो एक्चुअल में कैफे जाता है। मम्मी के वजह से कैफे की कितनी पब्लिसिटी हो गई है ना? थैंक यू अनुपमा। नाश्ता बनाती हूँ, वरना क्लास के लिए देर हो जाएगी। और मैं मीठे में स्पेशल बनाती हूँ। इतना अच्छा दिन है तो ठाकुर जी को स्पेशल प्रसाद चढ़ेगा।